जय भारत। आपके बीच बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूँ और देखा होगा कि आपको जो है धुराधार जो है पढ़ाया भी जा रहा है, बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा रहे हैं। आप देखिए तब बताइएगा, और जितने भी लोग देखिएगा सब लोग शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा और बताइए क्लास कैसी लगी। यूथ सक्सेस प्रयागराज आपकी जो है आपकी चैनल है जो है इसको चाहिए तो अगले जाइए। और दोस्तों मैं आपके बीच जो लाया हूँ आज नया सेशन, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन लाया हूँ कि रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम होने वाला है। इसी पे जो है आरआरबी ग्रुप डी 2018 में जो है सारे क्वेश्चन एनटीपीसी और ग्रुप डी में जितने पूछे हुए क्वेश्चन हैं मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। मैं तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर लेकर आया हूँ, एक नंबर सिस्टम है और इस तरीके से पढ़ाएँ किस तरीके क्वेश्चन पूछा था, सब डेट वाइज आपके मतलब आपके साक्ष के साथ आया हूँ, किस डेट पर कौन शिफ्ट में आया सारा चीज़ें बताऊँगा और क्वेश्चन ट्रिक के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बैटिंग कराऊंगा। बस आपको साथ बने रहना है और धुराधार बैटिंग करना है। ज़्यादा बातचीत ना करते हुए मैं सीधे टॉपिक पे आ रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ और आपको ट्रिक के माध्यम से एकदम पूरा कम समय में ज़्यादा कर जाना है ये, और एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से करना है। बस अपने समय को बचाना है और अतिरिक्त प्रश्न को लगा कर उससे जो है सरसा पा जाना है। और जितने भी लोग देख रहे हैं सब लोग शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तभी हर जितने में वीडियो डालूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। आइए आते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, आरआरबी ग्रुप डी 2/11/2018 में सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। पहली 200 संख्या पूर्ण संख्या का योग बताइए। पहली 200 पूर्ण संख्याओं का योग बताइए। ये एक क्वेश्चन मैंने मैंने पढ़ाया है, सुपर टेट का मैंने पढ़ाया है, मैथ पढ़ाया है और ट्रिकी के माध्यम से पढ़ाया है, नंबर सिस्टम पढ़ाया है। आप प्ले लिस्ट में जाकर, चाहे अगर नए होंगे तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, तब बताइए कि हाँ सर क्या पढ़ाए। मैंने ट्रिक के माध्यम से तरह बेहतरीन तरीके से सारे ऐसे क्वेश्चन सब सॉल्व करेंगे। अभी देखिए कैसे तरीके करते हैं, आते हैं। करना कुछ नहीं है, कह रहा है मैंने बताया है इसके पहले फार्मूला बताया हूँ। फार्मूला करने का मतलब एक ट्रिक है, चाहे जो कहिए उसको, फर्स्ट प्लस लास्ट अपान टू गुणे संख्या, इस तरीके बताए, इसी बेस पे करना है। इस तरीके से जितने क्वेश्चन आए हैं, अगर पूर्ण संख्या पूछ रही है तो इतना पूर्व संख्या, सॉरी पहली 200 पूर्व संख्याओं का योग अगर पूछ रही है तो करना कुछ नहीं, पूर्व संख्याओं का योग पूछ रहा है तो सीधी सी बात 0, 1, 2, 3, 4, तो पूर्व संख्या पूछ रही है तो पूर्व संख्या के लिए करना क्या है, 200 तो लिखेंगे ना इसके पहले पूर्ण संख्या जो, तो करना कुछ नहीं है, बस इस तरीके करना है आपको, फर्स्ट लास्ट अपान टू गुणे संख्या, 99 संख्या है, 99 इसको आएगा यहाँ पे 200, यहाँ पे 200 आते हैं, सौ बार में 100 से गुणा कर दीजिए, इतना आंसर आया। करने का मतलब पूरा टोटल योग कितना आएगा, 19,900, 19,900 ऑप्शन में दिया है। करना कुछ नहीं है, अगर आपको बस बने रहना है और करना है तरीके से, एक ट्रिक के माध्यम से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, सेकंडों में आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सॉल्व और प्रैक्टिस करेंगे तो आपका स्पीड बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अगर आप नए होंगे हमारे चैनल पर, नए होंगे तो आप जाइए देखिए प्लेलिस्ट में, मैंने सुपर टेट का पढ़ाया है ऑल ओवर इंजान के लिए, बहुत बेहतरीन तरीके से सब ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया है, जैसे बताएं इस तरीके पढ़ाए हैं। आइए आते हैं, दे रहा है सब नंबर सिस्टम के, देखिए आरआरबी ग्रुप डी में 2018 लिखा हूँ, सब नंबर सिस्टम क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन हैं, जितने क्वेश्चन सब आए, सब जितने ऑल शिफ्ट में आए सब मैं कराऊंगा, बस आपको बने रहना है और करना है, ठीक है। आते हैं, दिया है 12,288 संख्या में कितने गुणनखंड होंगे, देखिए गुणनखंड पूछे हैं कितने गुणनखंड होंगे। मैं आपको बताया था एक तरीका, थोड़ा जगह कम ऊपर थोड़ा मिटा रहे हैं ना, साफ कर दें इसको, नोट्स बनाते जाइए और करते जाइए, क्योंकि ऑल ओवर एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद है। ऐसे ट्रिक ऐसे पैटर्न पे देखिए क्वेश्चन आए हैं, ये सब में मैं पढ़ाया भी हूँ इसके पहले, इसके पहले मैंने पढ़ाया भी हूँ, ठीक है। करेंगे मतलब 12,288 संख्या में, 12,288 संख्या, पहले क्वेश्चन मेरा ये 12,288 संख्या में कितने गुणनखंड होंगे, सीधी सी बात आप गुणनखंड करने के लिए सीधे लसा निकालते हैं, करना क्या है आपको, यहाँ पे 12,288
12288। हम आपको बताएं कि एक हम आपको बताएं छोटी से छोटी संख्या, लेकिन आप जल्दीबाजी करने के मतलब जो जल्दीबाजी करने के तरीके से जो है आप बड़ी सी बड़ी संख्या लीजिए, काटिए इसको, आठ से काटिए, आठ से काटिए, आठ करना में आठ और पाँच और पाँच, तीन छः, फिर से आठ, आठ से काटें, बड़ी सी बड़ी संख्या काटें, क्योंकि आपके जो अगर छोटी छोटी संख्या दो 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 से काटेंगे तो आपको समय लगेगा। अब देखिए कितना अच्छे तरीके से आप करेंगे, बस आपको थोड़ा बने रहना है, करना है थोड़ा हटा दे रहना है, 12 रुपये देखिए ग्रुप डी में लिखा हूँ, ठीक है। इसके बाद आठ से काटेंगे तो आठ दूनी 16, आठ इकन्नम आठ, फिर इसके बाद आठ से काटेंगे, आठ दूनी 16 बचा 3, 8 चौक 32, 8 3 24। आप इस तरीके भी कर सकते थे, दो दो से काटने के बाद काटेंगे, छोटी 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 संख्या काट जाते थे, कर सकते थे, लेकिन आप जो है जल्दी करने करेंगे तो देखिए ज़्यादा बड़ा करेंगे तो आपका समय जाएगा और कुछ सा छूट जाएगा। जल्दी करने के चक्कर में जो है मैंने जो है बड़ी संख्या से काटा है। अब हम इस रूप में लिख सकते हैं, आठ को इस रूप में लिख सकते हैं, नहीं आठ को इस तरीके रूप में लिख सकते हैं ना, आठ को इस रूप में लिख सकते हैं ना, तो सीधी सी बात घात को जोड़ दीजिए तो हमारा आ गया 2 12 12 घाते 2 घाते 12 प्लस 1 घाते 1। निकालने के लिए गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए हम जितना भी फैक्ट आएगा, जितने भी हमारे घात आएंगे, एक घात को अतिरिक्त लिखेंगे, करेंगे मतलब एक घात को, अगर 12 है तो 13 कर देंगे, अगर एक है तो 2 कर देंगे, इसे गुणा कर देंगे तो हमारा 26 आ जाए, गुणनखंडों की संख्या 26। करना कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा बेहतरीन और थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझना है और करना है। करेंगे मतलब देखिए इसको लसा लेंगे तो निकालने के बाद बड़ी सी बड़ी संख्या से काटेंगे जल्दी होने के लिए, ज़्यादा लंबा खींच जाएगा तो आपको समय बर्बाद होगा। तो 1526 आएगा, 8 से काटेंगे, फिर 8 से काटेंगे 9, 112, 8 से काटेंगे 24 आएगा, फिर 8 से काटेंगे 3 आएगा, फिर 3 यहाँ काटेंगे 1 आएगा। हम 8 को इस रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं इस रूप में, लिख सकते हैं ना, तो 1 2 3 4, 4 दिया 12, तो 12 घाते 2 घाते 12 लिख के इसके बाद 3 आए 3 घाते, बस जितना भी घात आएगा इसे हम अतिरिक्त जोड़ देंगे, 13 घाते 12 घाते 1 13 1 2 गुणे 26, करेंगे मतलब हमारा 26 संख्या है। बहुत मिनटों में या सेकंडों में आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बस समझिए। अगर आपको अगर कहीं समझ में नहीं आता है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और उसके बाद देखिए कि हाँ मैंने लगाया है, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बताया भी है। आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए आरआरबी ग्रुप डी 7/12/2018 में पहले शिफ्ट में पूछा गया है, ठीक है। मैं पूरे साच के साथ बताऊंगा आपको, अगर नोट नहीं किया तो मैं बोल के बता दूंगा हाँ कब आया है, आप मिला लीजिएगा जाके प्रीवियस पेपर में जाके। फिर आते हैं संख्या 4840 के कितने गुणनखंड है, 4840 के कितने गुणनखंड है। देखिए कितने गुणनखंड निकाल, गुणनखंड निकालने के लिए मैंने बताया था आपको एक तरीका, बहुत ही बेहतरीन तरीका बताया था, अभी उसी तरीके से लगाना है, बस समझना है और थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में दिमाग को लगाना है कि आपको ज़्यादा मेहनत ना करना है। 4840 हम इस रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 4840 गुणे 10 इस रूप में लिख सकते हैं, तो इसे 2 गुणे 5 कर सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं, तोड़ सकते हैं। इसके बाद आपका जल्दी हो इसीलिए मैं कर रहा हूँ, ये आपके जल्दी के नाते कर रहा हूँ। फिर 484 को हम लसा ले लेंगे, 484 को हम लसा लेंगे तो हम मैंने बताया कि छोटी से छोटी संख्या काटने का तरीका है, नियम है, लेकिन हम बड़ी से बड़ी संख्या निकालेंगे कि आपका जल्दी हो और आप एग्जाम हाल में बहुत अच्छे तरीके से कर जाए। तो हम करने के लिए हम कहेंगे आपको 4 से काटेंगे, 4 एक 4, 4 2 8, 4 एक 4, फिर हम इस संख्या को निकालेंगे, 4 3 12 और 11 से कटेगा, 11 से 11 बार में 11 से, हम इस चीज़ को इस रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बस आपका आ गया आंसर। करना कुछ नहीं, बस समझना है।
हम ऐसे बना सकते हैं, फिर 10 को 2 गुणे 5 लिख सकते हैं, फिर इसका लसा निकाले, आपका जल्दी हो गया। इसी संख्या को आप बार बार काटते तो आपका बहुत समय लगता है, इसलिए मैंने जल्दी के लिए जो है इस तरीके किया है आपको समझने के लिए। बस तरीका वही है, सब कुछ वही है, ठीक है, समझने के लिए बस आपको समझना है, करना है, और किस तरीके करना है मैं बता रहा हूँ आपको। आप इस रूप में लिख सकते हैं, तो 2 घाते हैं, एक यहाँ पे हुआ, ये भी तो होगा दो ना, एक हुआ तो 2 घाते 3 प्लस कितना आया है, 11 घाते 2 ना, 11 घाते 2। तो आप, मैंने बताया कि अगर गुणनखंडों की संख्या निकालना हो, कितने गुणनखंडों की संख्या निकालना हो, तो हमें एक अतिरिक्त जोड़ देना है, एक अतिरिक्त जोड़ देना है जिसपे एक जगह में नहीं लिखे हैं। अच्छा, 5 भी लिखना है ना, 5 लिखना, एक अतिरिक्त जोड़ देना, मतलब 3 का 4 पावर, फिर 2 का 3, फिर 1 का 2, इसका निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 4 3 12, 12 2 24, 24 आपका गुणनखंडों की संख्या आ गया। इस तरीके से सॉल्व करना बहुत अच्छे तरीके से। देखिए ये भी आया है, 7 12 2018 2 सीक्रेट शिफ्ट में आया है, क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 4 नंबर क्वेश्चन पे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा, बस आपको समझना है और करना है, और अच्छे तरीके से बैटिंग करना है। एग्जाम हॉल में जाइए तो आप धड़धड़ कीजिए, क्योंकि सब देखिए इस तरीके पैटर्न पे सारे क्वेश्चन आते हैं, पैटर्न वही होता है, बस आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज करने के लिए इसके अंक बता दिए जाते हैं। जिस तरीके मैं बताया, सुपर टेट मैंने पढ़ाया है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया, बहुत अच्छे तरीके से बता रहा है, बस आपको समझना है और करना, बहुत बेहतर तरीके से करना है, बस आगे कुछ नहीं, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है ना, हाँ देखिए इसमें पूछ रहा है, पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं के में कितने आभाज्य संख्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत कितने आभाज्य संख्या है, मैंने आपको बताया है, पीछे जाके देखिएगा प्लेलिस्ट में, देखिएगा कि मैंने बताया 100 तक ना, हाँ 1 से लेकर 100 तक टोटल 25 आभाज्य संख्या होता है, मैंने बताया है हाँ, मैंने बताया इस चीज़ को बताया है, आप समझ लीजिएगा। तो हमारे पास ऑप्शन में 25 नहीं दिया क्या, 25 सही होगा। तो एक अगर पूछेगा कि पहले प्रकृति 25 प्रकृति संख्या, मतलब 50 प्रकृति संख्या का कितना आभास संख्या, तो हम 100 मारेंगे, ठीक है, इसको कर लीजिएगा, मैंने बताया है, आप पिछले, क्योंकि आपको क्वेश्चन सॉल्व कराना है, समय कम है, तो इसकी वजह से मैं ज़्यादा बता नहीं रहा हूँ, बस आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, आपको समझना है बस, करना है, ठीक है। आते हैं, अगर यही पूछ लिया आपको 1 से 50 तक कितने कितने होते हैं, तो 150 तक जो है, 150 तक 15 करेंगे। अगर पूछ लिया कि 50 से 10 तक कितने होते हैं, तो आप जो है 150 तक 15 होते हैं, करेंगे पूछ लिया 150 तक कितना होते हैं, 50 से 10 तक कितना होते हैं, 10 मारेंगे, तो आप 10 और 15 मिला के 25 हुआ, तो बस 100 तक 25 हुआ, ठीक है। आते हैं, थोड़ा स्पीड करेंगे, दे दिया 3 आभास संख्याओं में से पहले 2 गुणनफल का 1147 और अंतिम 2 गुणनफलों का 1517, 3 आभास संख्याओं ज्ञात कीजिए। देखिए इस ऐसा अगर क्वेश्चन आया तो आप कहीं कंफ्यूज मत होइएगा, आप ऑप्शन को देखिएगा, सॉल्व कीजिएगा, क्वेश्चन को पढ़िएगा, दिया क्या है 3 आभास संख्याओं में, देखिएगा तीनों में आभास संख्या कौन, विभाज्य है, ये अभाज्य है, अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, करेंगे मतलब दोनों कैंसिल हो गया, क्योंकि तीनों अभाज्य पूछा ना इसमें, अब पूछा है कि अंतिम 2 गुणनखंडों का, दोनों दोनों गुणनखंडों का जो है, गुणनखंडों का 1547, मतलब 1547 आना चाहिए, पहले 2 गुणनखंडों का जो है इतना आना चाहिए, और अंतिम 2 गुणनखंड संख्याओं का इतना आना चाहिए। तो हम करेंगे मतलब, हम देखेंगे कि इसका इसका कितना आएगा, पहले यहाँ से देख लेते हैं ना, पीछे से अंतिम 2 गुणनखंडों का हाँ गुणनफल का कितना आएगा, दोनों अंतिम जो है 7 3 7 4 28 7 3 7 4 28 सॉरी 28
चार तीन 12 2 14, 7 3 11, 15, 1547। देखिए यही सही हो गया। कहने का मतलब आपको समझना है, यही देखिएगा, तीन अभाज्य संख्याओं का पहले दो गुणनखंडों के गुणनफल जो है, गुणनफल 1147 और अंतिम दो गुणनफलों का जो है 1517, तीन अभाज्य संख्याओं ज्ञात की। तीन अभाज्य संख्याओं देखिए, ये भी तो भाज्य है, कहीं तीन से कटेगा, तीन से कटेगा, सात से कटेगा, तो दोनों पहले का ऑप्शन कैंसिल हो गया। इसमें देखेंगे, इसमें देखना था, इसमें भी आप पूरा करके दो अंतिम देख लेंगे, तरह नहीं आएगा 1517 नहीं आएगा तो अभी गलत हो जाएगा, और पीछे से मैंने देखा तो ये सही है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है। आते हैं चार क्रमागत विषम संख्या, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 होगा ना। हाँ, चार क्रमागत विषम संख्या, हाँ विषम संख्या का योगफल 144 है, 144 है, तो पहली संख्या और अंतिम संख्या का लसा, तो पहली संख्या और अंतिम संख्या, अंतिम संख्या का लसा पा क्या होगा। क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी 22 10 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, आरआरबी ग्रुप डी पूछा गया है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कि आपको याद रहे कि अगर कहीं मिलाना है, खोजना तो खोज लीजिएगा आप, ठीक है। ऑप्शन लिखिए, ऑप्शन बी सी डी। इस टाइप मैंने क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया है, आप देख लीजिएगा, ठीक है, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, करना कुछ नहीं। अगर इस टाइप पूछ रहा है, जितने क्रमागत पूछे थे उससे जो आए हुए योगफल है उससे हम भाग दे देंगे। अगर पूछ रहा है 144 में चार का भाग देंगे, चार क्रमागत पूछ रहा है, तो इसमें कितना आया, चार तिहाई बारह आया, बचा इसमें दो अड़तरी का छत, हाँ 36 आया, 36 ना, 36 बार में कटेगा ना, से चार तिहाई बारह बचा दो, फिर यहाँ 24, तो 8 3 24 नहीं, 4 6 24, ठीक है 36 आया। अब अगर पूछना मध्य वाली संख्या हमारे पास 36 आ गई है, तो पूछा क्या है मध्य वाली संख्या, आप पूछ 36 आ गए, विषम संख्या पूछा है, तो 36 हमारा सम संख्या है, तो विषम संख्या पूछने के लिए बीच में आया, तो इसको हम इधर इधर करेंगे, तो 1 2 3 4 1 2 3 4। अगर सम संख्या पूछता तो इसके पीछे आगे सम संख्या लिखते हैं, इसमें देखिए इसमें क्या, इसके बाद आएगा यहाँ पे 37 आएगा, इसके बाद यहाँ पर आएगा 39 आएगा ना, 37 के बाद 38 सम संख्या है, फिर 39 आएगा, अब इधर जो है देखिए 35 आएगा, इधर जो है 34 आएगा ना, 34 है 17 34, ठीक है। इस तरीके करने का मतलब आप क्या कह रहा है, पहले और अंतिम का लसा 39 और 33 और 39 का लसा हम इसके तीन से काटेंगे, 13 3 39 11, अब इससे गुणा करेंगे, तो करेंगे मतलब
सीधी सी बात, चाहे ऐसे निकाले चाहे मैंने 60 फॉर्म बताया था कि बड़ी संख्या काटेंगे 13 बार में कटेगा, इसके बाद इसे गुणा कर देंगे, तो यही चीज़ें ये भी यहाँ भी है, चाहे सीधा कर दीजिए चाहे ऐसे करिए चाहे उसे कीजिए। आते इसमें गुणा करेंगे 33 33 13 में 13 तेरह तीन तीन त्रिका नौ हो और दो 429 429 आएगा, 429 आएगा ऑप्शन में। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस तरीके खाली सॉल्व करना करना, ठीक है। आते हैं, मैंने सारी चीज़ें मैंने बताया है, बहुत बेहतरीन तरीके से बताया, बस आपको समझना करना, ठीक है, कंफ्यूज एकदम नहीं होना है। आते पूछा दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं दो संख्याओं का गुणनफल 0.64 0.64 बहुत गर्मी हो रही यार, 0.6646 है यदि यदि उनमें से एक संख्या उनमें से एक संख्या उनमें से एक संख्या 1.7 है 1.7 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, संख्या क्या होगी। ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी में 19/9/2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 19/9/2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ग्रुप डी आरआरबी डी में, ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन लिखिएगा, अगर जल्दीबाजी में आपको जल्दी क्वेश्चन कराना चाहिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो गड़बड़ हो जा रहा है, इसमें देखिए 0.38 ना 0.4 नॉन ऑफ दिस। आते हैं इसमें सवाल, देखिए इस तरीके हम लगाएंगे, आप तो पूछिए अगर दो संख्या अगर दो संख्याओं का गुणनफल इतना दिया है, मान लीजिए दो संख्याओं का गुणनफल हमारे पास 40 है, मान लीजिए मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ एक्स्ट्रा आपको कंसेप्ट देके, 40 है और एक का फर्स्ट का 8 दिया है तो सेकंड ने पूछा है ना, पहला दिया है एक, पहला दिया है एक का और सेकंड ने पूछा है ना सेकंड क्या है, तो करेंगे मतलब अगर पहला दिया है इससे इससे भाग देंगे 8.5 40, दूसरा निकलेगा नहीं निकलेगा, उसी तरीके इसमें है करना कुछ नहीं है, 0.646/7। अब इस तरीके आप भाग देंगे तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लीजिए, ये दशमलव है लगा लीजिए कि जब इससे इससे भाग देंगे तो एक संख्या घट कर, जो एक संख्या घट कर इसमें दशमलव लगेगा नहीं लगेगा, इसीलिए जो है आप देखिए ऑप्शन में कि दो संख्याओं के आगे जो है दशमलव किस पे लगा, दो संख्याओं के आगे देखिए दशमलव किस पे लगा, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। आप कुछ करना नहीं है, बस ऑप्शन देखे सही मार देना है बस, आप चाहे भाग भी दे सकते हैं। और अगर आप पहली बार अगर क्लास में होंगे तो आप हमारे सुपर एट में बैच पढ़ाया हूँ और प्लेलिस्ट में जाइए, मैंने इस तरीके से सब कुछ दशमलव गुणा भाग मैंने सब बताया, बहुत बेहतरीन तरीके से बताया है, आपको समझना बस करना है। आते हैं इसी शिफ्ट पे एक सवाल और है, एक क्वेश्चन और है, लेकिन आप उस पर सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि आप बताएंगे नहीं, क्योंकि ऑप्शन देख के भी सॉल्व करना है। ये पूछा गया था इसी शिफ्ट में, हम क्वेश्चन बोल दे रहे हैं, दो संख्याओं का गुणनफल जिसका 0.4032 है, जो संख्याओं में से एक का 1.6 है तो अन्य संख्या मतलब दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो अगर एक तो, अगर पूछ रहा है 0.432 अब 1.6 का भाग दीजिए तो एक संख्या कट जाएगा, आप संदेह मार दीजिए, ठीक है, करना कुछ नहीं है। पूछा गया क्वेश्चन है कि
10/8/2018 में पूछा गया क्वेश्चन हुआ आरआरबी ग्रुप डी में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं के मध्य 6 का अंतर है, दो संख्याओं के मध्य 6 का अंतर है, हाँ 6 का अंतर है, तो दोनों के वर्ग के बीच में 240 का के वर्ग के बीच 240 का अंतर है, 240 का अंतर है, संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। संख्याओं का योग कितना होगा, संख्याओं का योग कितना होगा, ठीक है। आरआरबी ग्रुप डी 10/10/2018 में पूछा गया है, आरआरबी ग्रुप डी में शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, 10/10/2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा। और किस शिफ्ट में पूछा बता दे रहे हैं आपको, थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, लिख रहे हैं शॉर्ट फॉर्म, ठीक है समझिएगा। बहुत देखिए गर्मी हो रही है, कितना गर्मी हो रही है समझना, ठीक है। ऑप्शन ए बी सी डी, ए बी सी डी 36 50 40 60, 36 50 60 पूछ क्या रहा है, दो संख्याओं का बीच का अंतर 6 है, दो संख्याओं का बीच का अंतर x माइनस वाई बराबर 6, बीच का अंतर 6 दिया है, तो दोनों संख्याओं का वर्ग निकाल, दोनों संख्याओं का वर्ग निकालने के लिए x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वर्ग निकालने के लिए तो हम करते क्या है, इसमें सीधे दोनों संख्याओं का वर्ग, दोनों संख्याओं का वर्ग बीच 240 का अंतर है, 240 का अंतर है, तो हम इसको जो है थोड़ा सा अलजेब्रा में जाएंगे, इसका निकालने के लिए हम करते हैं क्या है, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई बराबर 240, इसका मान दिया है 6, इसका मान 6 दिया है, फिर इसके से काटेंगे तो हमारे पास आएगा 40, करने का मतलब हमारा कितना आया, एक्स माइनस वाई बराबर हमारा 140 आया, नहीं सॉरी इसका करें, इसका दिया ना माइनस दिया ना, तो इसका 6, इसका से काटेंगे तो आ जाएगा 40, तो करें मतलब x प्लस वाई बराबर हमारा जो है 40 आंसर आएगा, यही सही है, 40 का ऑप्शन सही है, ठीक है सही है। एक क्वेश्चन और लगाएंगे इसके बाद नेक्स्ट क्लास में, आज का डेमो क्लास का समझ लीजिए आपका छोटा सा क्लास, अब अगले दिन हम कम से कम 1 घंटे क्लास लेंगे, और सारे नंबर सिस्टम में जितने आए हुए हैं 1 घंटे से ज़्यादा क्लास लेंगे, अगले दिन जितने आए हैं क्वेश्चन सब सॉल्व कराएंगे आपका, ठीक है। आते हैं, दो संख्याओं का योग 90 है, इसको ऑप्शन देकर आप सही लगाइएगा, दो संख्याओं का योग 90 है, 90 है, यदि उनमें से एक एक अन्य एक अन्य 16 से अधिक है, अन्य 16 अधिक है, ठीक है 16 है ये, 18 पढ़ लेना, 16 अधिक 16 है, तो दोनों संख्याओं का ज्ञात करें, दोनों संख्याओं
जहाँ अगर क्वेश्चन गलत होगा तो वहाँ आंसर नहीं आएगा ना, क्या याद करें, आप भी जान रहे हैं और ये बताना ज़रूरत नहीं है। सी ठीक, क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी ग्रुप डी 16, 10, 18 में पूछा हुआ है, आरआरबी ग्रुप डी 16, 10, 18 में पूछा हुआ ग्रुप डी, ठीक है। ऑप्शन लिखिएगा इस पे, इस सवाल को ऑप्शन से लगाएंगे हम, बहुत ही आसान है। 64, 37, 53, कुछ करना नहीं है, बस दोनों का अंतर देखिए बराबर कितना है और योग 90 आना चाहिए, बस आपका आंसर है। इस टाइप मैंने क्वेश्चन बता चुका हूँ, आप प्ले लिस्ट में जाइएगा और देखिएगा, अगर नहीं आता है मैथ तो अगर सारा जो है क्लास पढ़ लीजिए, और मैथ ने अगर नहीं आया जो कहीं नाम बदल देंगे अपना, इसका योग करेंगे हमारे पास 90 आएगा और अंतर निकालेंगे जो है 16 आएगा, तो करेंगे मतलब हमारा ऑप्शन नंबर टी बी यही सही है। आते हैं नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आपको, और वहीं क्लास को समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास कब को मिलेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। और धन्यवाद आज के लिए, बस इतना ही, नमस्कार।